नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, राहु जब आपके लगन चार्ट से अष्टम भाव में आते हैं तो आपको क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, अष्टम भाव में वैसे राहु को अच्छा नहीं माना गया, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि अष्टम भाव में आपको राहु क्या रिजल्ट देंगे और क्या अच्छा परिणाम राहु आपको अष्टम भाव में देंगे। देखिए, अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना गया। अष्टम भाव बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, यानी पर्दे के पीछे जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी रहस्य हमारे जीवन में होता है ये सब, और अष्टम भाव है वो मृत्यु का भाव है। तो अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना गया। अष्टम भाव त्रिक भाव में से एक भाव है। तो यहां पर जब भी राहु आता है तो राहु क्या है, राहु भी रहस्य है, राहु भी अष्टम भाव की जो कारकत्व है उससे कहीं ना कहीं रिलेशन बनाता है, यानी इसी तरह का है। जो अष्टम भाव है वैसा ही राहु है। राहु एक छाया ग्रह है जिसको आप कभी देख नहीं सकते, इसका स्वरूप आपको पता नहीं होता। तो ये एक तरह से सेक्रेट ही, ये खुद ये ग्रह भी सेक्रेट ही है अष्टम भाव की तरह। अष्टम भाव में जब भी राहु आता है तो अष्टम भाव को एक तरह से वो एम्प्लीफाई करता है, और आपकी जो लाइफ है उसमें रहस्यमयी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, रहस्यमयी घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में घटती हैं। तो अगर राहु अगर आपका अष्टम भाव में है तो आप एक रहस्यवादी व्यक्ति हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब आपका लगन का लॉर्ड अगर राहु से यहाँ संबंध बना रहा हो तो आप बहुत ज्यादा रहस्यमयी हो सकते हैं। आपकी जो भी प्राइवेट चीजें हैं, जो भी आप दुनिया के सामने नहीं करते, जो बिल्कुल छुप के करते हैं, वो सब सीक्रेट रहेगा, वो कभी लोगों के सामने नहीं आएगा। इसके अलावा राहु अगर अष्टम भाव में है तो आप एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या ऐसे फील्ड में, यानी अकल्ट नॉलेज आपको काफी अच्छा हो सकता है, आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है। आप कोई भी गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंटल डिपार्टमेंट में या कॉन्फिडेंटल वर्क में कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो या सीबीआई वगैरह, या ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट जहां पे जो गोपनीय चीजें होती हैं, जैसे जो बोर्ड वगैरह के जो रिजल्ट निकलते हैं, जैसे हमारे अलग अलग स्टेट में, तो वहां पे जो डाक वगैरह का भेजने का जो काम है वो डाक काफी कॉन्फिडेंटल होती है, तो वहां पे आप काम कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट में, या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर ऐसी चीजें हो रही होती हैं। या फिर आप कहीं एक देश से दूसरे देश में संदेश भेजते हैं तो आप एक राजदूत के तौर पर या किसी भी प्रकार से ऐसे कामों से आप जरूर संबंध रखेंगे जो रहस्यमयी हो, जो रहस्यवादी हो, जो लोगों को एकदम सामने नहीं दिख रहा होता हो, बिल्कुल पर्दे के पीछे वो सब हो रहा होता हो। तो आप ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा चीजों की जांच की जाती है, सेक्रेटिव जो जांच होती है कई बार, उसमें भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा राहु जब अष्टम भाव में आता है तो देखिए, अष्टम भाव हमारी लाइफ में उन्हीं चीजों को, उन्हीं घटनाओं को दर्शाता है जो बहुत अचानक हमारी लाइफ में घटती हैं। अगर आपका राहु अष्टम भाव में है तो आप अचानक धनवान हो सकते हैं, लेकिन राहु आपका अच्छी प्लेसमेंट पे होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि राहु आपको यहाँ पर खराब रिजल्ट ही देगा, वो तो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कि राहु कौन कौन सी राशियों में अच्छा रिजल्ट देते हैं, कब राहु यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। तो राहु अगर अष्टम भाव में है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटेंगी जो एकदम अचानक होंगी। उनमें से बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो घटित होंगी वो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सडन कुछ लेके आ सकती हैं, आपकी लाइफ को अचानक बदल सकती हैं। तो यहाँ पे जब राहु है तो राहु अगर अच्छी घटनाएं आपके साथ करवा रहा है, इसका मतलब राहु आपका यहाँ पे अच्छा है। तो कुल मिलाकर राहु आपकी डिजायर को भी दर्शाता है। तो आप अष्टम भाव को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लाइफ में, और अष्टम भाव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको आप ज्यादा करने लगते हैं। अगर अष्टम भाव में आपका राहु है तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो जासूसी कामों में हो सकता है, स्पाई करने में हो सकता है, या फिर आप जासूसी फिल्में देखते होंगे, या वो सारे काम सेक्रेटिव काम जो आप करते होंगे वो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट में हो सकते हैं, यानी आप उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपका नेचर भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर राहु आते हैं तो ये एकदम से आपको सडन गेन करवा सकते हैं। सडन गेन कैसे करवा सकते हैं, लाइफ में कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है धन का,
यहाँ का राहु भी आपको अचानक धनी बना सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये राहु नुकसान ही देगा, ये अचानक आपको बहुत सारा पैसा भी दे सकता है। पैसा कैसे दे सकता है, ये किसी भी प्रकार से पैसा आपको दे सकता है, या तो आपका कहीं लॉटरी वगैरह लग सकती है, या आपको कहीं भी आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। यहां से आपको अपने इनलॉज से भी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है अगर आपका राहु यहां पे अच्छी प्लेसमेंट पे है। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति में भी काफी फायदा हो सकता है अगर राहु अच्छी प्लेसमेंट पे है। तो यहाँ पे जब भी राहु आता है तो एकदम से आपकी जो लाइफ है उसमें ये मानकर चलिए कि जो सेक्रेट काम है या जो सेक्रेट घटनाएं हैं वो ज्यादा होती रहेंगी। अगर राहु की दशा चल रही है तो आपको थोड़ा अवेयर भी रहना होगा, क्योंकि राहु कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। तो अष्टम भाव का जो राहु है वो एक तरह से ऑब्सेस्ड कर देगा आपको, तो आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में इन सब में जरूर आएंगे या आप जासूसी करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी चीज का एडवर्टाइज करके उसको बेच सकते हैं, आप धन के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ेंगे। अगर अष्टम हाउस का राहु है तो आप एक पढ़ा लिखा, एक ज्ञानी और एक धनवान जीवन साथी चाहेंगे, और ऐसा ही जीवन साथी आपको मिलेगा भी अगर आपका राहु यहाँ पे अच्छा है। अगर राहु यहाँ पे खराब है तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जरूर, उसका हम इस वीडियो के अंत में डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। राहु यहाँ पर आपका अच्छा है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च में होगा, और निश्चित रूप से आपने रिसर्च किया होगा। अगर आपका अष्टम में राहु है चेक कर लीजिए, तो आपने किसी भी फील्ड में पीएचडी किया होगा, और वो पीएचडी शायद जो डिग्री आपको मिली है वो डिग्री कई बार ऐसी भी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ना हो, और वो एक नाम की डिग्री भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कॉलेजों में इस तरह की डिग्री लेके बैठे हैं जो डॉक्टर लगा रखा जिन्होंने, या फिर आपका रिसर्च बहुत ज्यादा सीरियसली हुआ है तो वो फॉरेन में हो सकता है, या अपनी ही कंट्री में आपकी डिग्री है वो काफी साल तक यानी 5 साल तक वो कंप्लीट हुई होगी, और आपने बहुत ही ज्यादा सीरियसली उसके लिए पढ़ाई करी होगी, उसके लिए काम किया होगा, आपने अपने फील्ड में जाकर रिसर्च किया होगा, तो वो एक सही तरीके से जो पीएचडी होती है उसको हम कह सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल शॉर्टकट में करी है, 3 साल में पीएचडी करी है, या फिर आपने 5 साल में भी करी होगी और उसमें आपने काफी पैसा दिया है, तो वो जो पीएचडी करी है आपने जिसमें बहुत ज्यादा कोई वैल्यू उस डिग्री की नहीं है, बस सिर्फ नाम की जो डिग्री है वो दिखाने के लिए कि हाँ मैंने पीएचडी करी है, तो वो चीज वो यहाँ पे राहु दिखाता है। और ये शॉर्टकट तरीके आप इसमें तभी अपनाते हैं जब राहु आपका अष्टम भाव में होता है। इस डिग्री के लिए आपको खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है, कई बार आपको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि आप जो वैलिड यूनिवर्सिटी है या जो प्रमाणित जो संस्था है या जो वेल एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उससे आप कई बार नहीं कर पाते, और आप बिल्कुल जो फेक डिग्री जो लोग देते हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं और शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, जिससे आपको धन का नुकसान हो जाता है, साथ में आपको समय का भी नुकसान हो ही जाता है। तो राहु यहाँ पे आपको रिसर्च में इंटरेस्ट देगा, और अगर आप इस रिसर्च को मेहनत करके करेंगे, सही तरीके से करेंगे, वैलिड तरीके से करेंगे, तो आपको लाभ काफी होगा, आपका काफी नाम होगा और आपको पैसा भी बहुत सारा मिलेगा। अगर राहु आपका अष्टम भाव में है तो आपके इनलॉज के साथ जो आपके संबंध होंगे वो कहीं ना कहीं सेक्रेटिव हो सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ जो आपके संबंध होंगे वो कहीं ना कहीं सेक्रेटिव हो सकते हैं, वो लोगों के सामने नहीं आएंगे बहुत जल्दी से, या आपका जो स्पाउस का नेचर है या जो स्पाउस की फैमिली है उसका उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं सेक्रेटिव होगा, या उनकी फैमिली में कोई ना कोई सेक्रेटिव काम कर रहा होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो सेक्रेट डिपार्टमेंट में होगा, या कोई भी ऐसी फील्ड में हो सकता है जहां पे रहस्यवादी जो काम है वो ज्यादा होते हैं, तो ये चीज भी आपको देखनी होगी। यहाँ पर राहु है तो ये राहु आपकी डिजायर को दर्शाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी डिजायर अष्टम भाव के प्रति बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत ज्यादा अष्टम भाव के जो काम है उनसे बहुत ज्यादा रिलेशन रखने लगेंगे, यानी आपके दिमाग में यही सब घूमेगा। तो राहु अगर आपका अष्टम भाव में है तो हो सकता है कि आपने एस्ट्रोलॉजी में अपनी रिसर्च करी हो, या पामिस्ट्री या वास्तुशास्त्र ऐसे फील्ड्स में आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करी हो, या आपको कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो।
हाँ, राहु अष्टम भाव का है तो बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर भी देता है, तो आप में बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर भी हो सकती है, जिसकी मदद से आप आगे होने वाली घटनाओं को बहुत जल्दी देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स की। नेगेटिव रिजल्ट राहु कौन कौन से देता है? देखिए, राहु अगर अष्टम भाव में है, अगर खराब पोजिशन पे है या क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, तो एक्सीडेंट बहुत करवाता है। राहु बहुत जल्दी एक्सीडेंट करवाता है, बहुत फास्ट करवाता है और बहुत नुकसान आपको होता है। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में है तो यहाँ पे जो आपको समस्या रहेगी वो या तो ऊंचे स्थानों से गिरने की समस्या, आपको कभी चोट लगी होगी, या पानी पानी से आपको डर रहेगा, या सर्प के काटने से, या बिच्छू के काटने से, या आवारा जो जानवर हैं उनके द्वारा आपको कभी पीड़ित किया गया होगा, कभी चोट पहुंचाई गई होगी। ऐसी स्थितियां आपके लिए रहेंगी अगर राहु अष्टम का है। अष्टम का राहु है तो आपके इन लॉज से आपके संबंध बहुत ही ज्यादा खराब रहेंगे, विशेषकर मैरिज के बाद, और आपकी अपने सास ससुर से बहुत ही कम बनेगी या बिल्कुल भी नहीं बनेगी, तो ये कंडीशन भी बहुत बार देखी गई है। इसके अलावा राहु अगर अष्टम का है तो राहु यहाँ पे सडन लॉस करवाता है, क्योंकि राहु यहाँ से देख रहा होता है आपके डायरेक्ट सेकंड हाउस को, तो आपका जो सेव किया हुआ मनी है उसमें बहुत जल्दी वो लॉस करवा देता है। वो किसी ना किसी रीजन से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ और ऐसा हो गया कि आपको कहीं पर पैसा देना पड़ गया, यानी आप एक तरह से फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी चीज का अगर राहु अष्टम भाव में है, या फेक आप इन्वेस्टमेंट का क्लेम करते हैं, कुछ ना कुछ आप फेक तरीके से जरूर करेंगे और वो आप एकदम ऐसे दिखा देंगे कि बिल्कुल सही ही है, लेकिन लास्ट में जब उसका पता लगेगा तो वो एकदम फेक होगा और आपको उसका जुर्माना भी कई बार देना पड़ सकता है कि आपकी गलती है। राहु अष्टम में है तो आप कई बार अपनी जो लाइफ है उसके प्रति सीरियस एटीट्यूड वाले नहीं रहेंगे, सिंसियर एटीट्यूड वाले नहीं रहेंगे। आप धन के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह भी हो सकते हैं, तो धन की कई बार कमी होगी, धन आप बहुत ज्यादा बर्बाद करेंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और आप अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं करेंगे, जिससे आपको लोग हैं वो एक तरह से, यानी आप जो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं वो कौन सी जीना चाहते हैं, आप बहुत ही जो रईस लोग हैं वैसी लाइफ स्टाइल की चर्चा करेंगे और लोग आपको फालतू कई बार समझेंगे, यानी लोग आपकी बातों को एक समय के बाद कोई तवज्जो नहीं देंगे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो ऐसी चर्चाएं आप करेंगे और वो लोगों को कई बार बहुत ज्यादा सही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात सत्य है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो आप निर्धन भी हो सकते हैं, आपके पास पैसे की कमी भी हो सकती है, या पैसे पैसे के लिए आपको बहुत ज्यादा तरसना पड़ता हो या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। क्योंकि राहु अष्टम में है तो केतु सेकंड हाउस में होगा, केतु सेकंड हाउस में ये दिखाता है कि आप वो जो सेकंड हाउस की चीजें हैं उनको पहले ही अचीव कर चुके हैं, तो अब आपको उन चीजों पर ज्यादा काम नहीं करना, तो आपके पास बचत बचत नहीं हो पाएगी, बचत किया हुआ पैसा नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड हाउस का केतु है तो आपके फैमिली के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे और फैमिली से आपको बहुत ज्यादा एक तरह से प्रताड़ना मिलेगी, या फिर उन लोगों का सपोर्ट आपको अच्छा नहीं रहेगा, तो कुल मिलाकर ये स्थिति बनेगी। और यहाँ पर राहु सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो आप जो भी रिलेशनशिप हैं उनमें बहुत ज्यादा डिसलॉयल रहेंगे, आप किसी भी रिश्ते को ठीक से निभा नहीं पाएंगे, तो आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर राहु अष्टम भाव में बैठे हों, और विशेषकर अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने इन लॉज के साथ, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं फैमिली से रिलेटेड उनके साथ आपको रिश्तों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा जो और लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं अपनी सोसाइटी से, उनके साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। लगभग कई बार आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे एल्कोहल वगैरह के, शराब, मांस मदिरा, ये सब आप लेंगे, जिससे आपको काफी नुकसान होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे और आप बहुत महंगा खाना भी कई बार खा लेंगे, जिससे आपको काफी नुकसान होगा, काफी पैसे आपके उसमें चले जाएंगे, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है इसी वजह से, तो आप बहुत ज्यादा ये चीजें भी करेंगे अगर आपका राहु अष्टम स्थान में है। अष्टम भाव में राहु है तो आप स्टडी को लेके या रिसर्च को लेके कई बार बहुत ज्यादा कुछ अपना खो देते हैं, अपना बहुत सारा समय या बहुत सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन वास्तव में आपको
लाभ नहीं हो पाता। कई बार राहु अष्टम में है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है, बहुत बड़ी जो सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में वो ऐसी हो जाती है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, वहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। अब देखिए राहु अगर अष्टम भाव में है तो कई बार आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। अगर अच्छी आती है तो आपकी लाइफ अचानक बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है, बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अगर राहु की प्लेसमेंट खराब है तो आप बहुत जल्दी बैकफुट पर आ जाते हैं, आपका पैसा बहुत जल्दी कहीं ना कहीं खो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है, तो ये समस्या रहेगी। अष्टम भाव का राहु है तो आपको गुप्तांगों में किसी प्रकार की समस्या या आपको कोई ना कोई पेट से संबंधित रोग होगा या गुप्तांगों से संबंधित रोग निश्चित रूप से रहेगा, विशेषकर कमर से निचले भागों में आपको घुटनों तक का जो रोग है आपको काफ़ी परेशान करेगा लाइफ में, और बहुत बार आपको ये परेशानी होगी लाइफ में जब अष्टम भाव में राहु होगा। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि राहु अष्टम भाव में ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको अपनी जो लाइफ है, आपकी जो खुद की लाइफ है, उसमें होने वाली घटनाओं को हैंडल करना आना चाहिए, तब जाकर आप राहु के रिजल्ट को अच्छा या बुरे रूप में भी प्राप्त करेंगे तो उसको आप पॉजिटिव बना लेंगे। तो राहु को आप यहाँ पर राहु के जो मंत्र हैं उनके द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, ओम रा राहवे नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए कुछ रेमेडीज हैं जो करके आप बहुत अच्छे से राहु को प्रसन्न कर सकते हैं अगर आपका राहु खराब है। और राहु तो एक राक्षस ग्रह है तो ये अपनी राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ नहीं सकता, तो अष्टम भाव में तो ये अपने नेगेटिव रिजल्ट जरूर देता ही है। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी लाइफ में बहुत सडन आपको धनवान बना देगा, आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन अंत में राहु छीनता भी है, तो वो जो आपको जो कुछ भी देता है राहु उसको आप ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर लीजिए जहां से उनका अब नुकसान नहीं हो सकता, उसको किसी प्रॉपर्टी में लगा दीजिए या कोई ऐसी चीज उनसे आप परचेज कर लीजिए जिससे आपको कभी लॉस नहीं हो सकता, उन चीजों का नाश नहीं हो सकता, तब जाकर आपको राहु के जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे और राहु का जो रिजल्ट है उसको आप लंबे समय तक लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो राहु यहाँ पर देखिए राहु अपनी ही प्रकृति के हिसाब से, अपनी ही प्रवृत्ति के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट देते हैं और राहु अच्छे या बुरे दोनों टाइप के रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, राहु अगर अष्टम भाव में है तो आपका जो अगर कहीं भी आपने पार्टनरशिप करी है, विशेषकर अपने इन लॉज के साथ किसी भी काम में आपने पार्टनरशिप कर रखी है, उसमें आपको नुकसान होगा। और विशेषकर अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके माध्यम से कोई काम ऐसा स्टार्ट किया तो उसमें आपको नुकसान होगा ही होगा। इसके अलावा जिनका राहु अष्टम में है वो जासूसी फिल्में देखना तो पसंद करते हैं, ये लोग स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी जो फोटो लेते हैं, जो सेल्फी वगैरह जो भी लेते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आती हैं कई बार और लोग उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये अपने आप को मतलब डिजिटल माध्यम से दिखाना पसंद करते हैं, तो ये भी एक इनका जो रिजल्ट है राहु का अष्टम भाव में ये काफ़ी विचित्र रिजल्ट है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो फेसबुक वगैरह पर या जो भी सोशल मीडिया है उन पर अपनी कुछ इस प्रकार से फोटो डालते हैं बिल्कुल एडिट करके, तो उन पर कहीं ना कहीं अष्टम भाव के राहु का प्रभाव जरूर होता है। तो अष्टम भाव का राहु है तो ये आपके वाणी के स्थान को देखता है, तो आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, आप किसी के साथ भी मधुर वाणी में बात नहीं कर सकते तो आपको वो भी नुकसान होगा, तो आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू होंगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, तो आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से काम करेंगी और वो एकदम से आपकी लाइफ को कई बार डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जो झगड़े वाली प्रवृत्ति है उसी झगड़े वाली प्रवृत्ति से आपके रिलेशन सभी लोगों से खराब हो जाते हैं, कई बार अपनी फैमिली से या किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भी आपके खराब रहते हैं। तो यहाँ पर राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है अष्टम भाव का राहु। अष्टम भाव का राहु अगर आपने राहु को यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया तो ये एकदम से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है।
अगर राहु को आपने नेगेटिव रहने दिया या आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया अपने मास मदिरा का सेवन कर करके, तो ये राहु आपको पल भर में आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है या बहुत कुछ नुकसान भी आपको दे सकता है। तो इस वीडियो में अभी भी बहुत कुछ कवर करने को बचा है, बट वीडियो काफी फिर लंबी हो जाती है और बहुत लंबी चर्चा इन पे होती है, तभी मजा आता है पूरे वीडियो में। अब 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बना दें उसमें कुछ मजे वाली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत कुछ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर हाउस या उस पर्टिकुलर ग्रह के बारे में, उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के बारे में, जो बातें अधूरी रह जाती हैं कई बार, वो बहुत ज्यादा काम की होती हैं। तो इसलिए आपको ये लंबे लंबे वीडियो देने की कोशिश की गई है, और इसमें आपको जहां तक हो सके हमारा प्रयास यही है कि पूरा एक्सप्लेन किया जाए, अब चाहे वो पॉजिटिव हो आपके साथ या वो नेगेटिव रिजल्ट हो। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।